हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं सर्किट स्विचिंग के बारे में। ये सर्किट स्विचिंग क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू, बड़े आसान लफ्जों में, आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो भाई साहब पहले ये क्लियर करो, ये आखिर सर्किट स्विचिंग क्या है, इसको अभी यूज किया जाता है या नहीं, इन सारे आपके सवालों के जवाब मैं अभी देने शुरू करता हूं। तो बेसिकली सर्किट स्विचिंग जो ये टर्म है दोस्तों, इसका बड़ा बोलबाला था, बड़ी चर्चा थी 90s 80s के जमाने में, यही चलता था। टेलीफोन एक दूसरे से बात करना है, तो ये सबसे बड़ा वास्ट एप्लीकेशन फील्ड है सर्किट स्विचिंग का। क्या? टेलीफोन। जो टेलीफोन पे हम कम्युनिकेशन करते थे ना, उसमें हम सर्किट स्विचिंग जो है वो यूज करते थे। अभी ज्यादातर सर्किट स्विचिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इतना ज्यादा अभी यूज नहीं किया जाता, बिकॉज अभी स्मार्टफोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, तो यहाँ पे ये थोड़ा पीछे छूट गया है। ठीक है, तो बेसिकली सर्किट स्विचिंग में होता क्या है, एक विजुअल पिक्चर आपके सामने में लाने की कोशिश करता हूं। कि जैसे मैंने अभी बोला कि टेलीफोन के थ्रू बातें हो रही है, तो क्या होता था, लेट्स कंसिडर ये T1 जो है ये आपका टेलीफोन है, और ये जो T2 है ये कुछ शहर छोड़ के T2 वहां पे आपका टेलीफोन जिससे आपको बात करनी है। तो ये आपका सेंडर है मान लो, और ये रिसीवर है। ठीक है, इस तरीके से। अब बीच में क्या होता था, बीच में कई सारे आपके ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज बूथ्स, ये देखो ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज रहते थे, ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो है बेसिकली दिस वन, इट इज़ कनेक्टेड हेयर, और ये जो आपके टेलीफोन स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते थे, और यहाँ पे जो T2 है वो इस पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पिक्चराइजेशन डायग्राम के थ्रू मैं आपको सर्किट स्विचिंग की बात जो है वो कन्वे करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो भाई साहब जो T1 है वो T2 को कॉल लगाते हैं, ओके। अब कॉल लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सर्किट स्विचिंग में 3 फेजेस होते हैं। जो सबसे पहला फेज होता है कॉल लगाने से पहले भी, मतलब कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले वाला जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज। पहले कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करो, फिर जो भी डेटा जाना है, कम्युनिकेशन होना है, वो फिर बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है सेटअप करना, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो, जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट, ओके, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करना ज़रूरी है। अब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने को जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं सेटअप टाइम, उसे हम कहते हैं सेटअप टाइम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो अभी वो सेटअप कैसे होता है, सेटअप यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल लिंक्स के थ्रू हम लोग इसको ऐसे सेटअप कर देते हैं, ओके, फिर यहाँ पे इसे इस तरीके से सेटअप कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं, बराबर। फिजिकल जो वायरिंग है, जो सर्किट है, उसे पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जब ये सर्किट आपका पूरा क्लोज हो जाता है तो एकदम एक करेक्ट एग्जैक्ट पाथ आपको T1 से T2 तक दिखाई देने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ओके, नाउ द कम्युनिकेशन कैन स्टार्ट। तो इसे बोलते हैं एक तरीके से, आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया और उसे जितना टाइम लगा उसे कहते हैं सेटअप टाइम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक और बिहेवियर नोट करोगे, तो एक तो हो गया भैया ये फिजिकल लेयर पे आपका जो है सर्किट स्विचिंग काम कर रहा है, दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर रिजर्व करके रख रहे हो, रिजर्वेशन करके रख रहे हो, बराबर है कि नहीं, कि मतलब इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए, T1 T2 के कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर चैनल रिजर्व आपने करके रख दिया है। That is what you can see here. Okay. अब आते हैं, चलो connection establish हो गया, अगला phase क्या होता है, what is the next phase, कि चलो अभी communication करना है। ठीक है, अब communication करना है, लेकिन उससे पहले ये जो है कहाँ से आएगा, आपका डेटा सोर्स से आएगा, बराबर। जो भी कम्युनिकेशन होना है वो कहाँ से आएगा, सोर्स से आएगा, यानी T1 से आएगा। तो फिर वो क्या करता है, जो भी डेटा है वो क्या करता है, इसके ऊपर रख देता है, इट पुट्स द डेटा ऑन टू द आउटगोइंग ट्रांसमिशन लिंक, उसके ऊपर वो डेटा रख देता है। तो इसे कितना टाइम लगता है, इसे टाइम लगता है TT यानी ट्रांसमिशन टाइम, ओके। तो जो ट्रांसमिशन टाइम है वो लगता है डेटा को लिंक के ऊपर रखने में, और एक और टाइम है कि यहाँ पे जो डेटा रखा गया है उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, मीन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड तक पहुँचने के लिए जो है टाइम लगता है, जो प्रोपेगेट करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है हमारा
प्रोपेगेशन टाइम, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिंपल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे T2 तक पहुँच जाएगा, डिलेज बहुत ही कम होंगे आपके सर्किट स्विचिंग में, जैसे आप देख सकते हो रास्ता एकदम क्लियर है, बराबर यहाँ से वहाँ तक आपको जाना है, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा रास्ता आपका पहले ही रिजर्व करके रखा है, और अभी बड़े शानो शौकत से आपका जो डेटा है, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो आपका रिसीवर तक पहुँच जाएगा, ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, एक और चीज़ हम लोग सर्किट स्विचिंग में जानने की बात करते हैं कि जो भी डेटा जा रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या वो इनलाइन कम्युनिकेशन है या आउट ऑफ ऑर्डर है, इन ऑर्डर है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, कि जैसे कि मैं बोलता हूँ अपने वीडियो के शुरुआत में, जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ आपके साथ, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये इन ऑर्डर स्टेटमेंट है, आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटमेंट कैसे होता, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, वेलकम टू, हेलो दोस्तों, तो ये क्या हो गया, खिचड़ी हो गई, मतलब क्या, आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहां पे आपको सर्किट स्विचिंग में आउट ऑफ ऑर्डर कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, आउट ऑफ ऑर्डर ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। जो यहां से पहला शब्द निकला है वही पहला शब्द रिसीवर सुनेगा, जो दूसरा शब्द है वो दूसरा शब्द है, तीसरा है वो तीसरा है, ऐसे जंबल अप मिक्सअप नहीं होने वाला है और क्लियर सुनाई देगा, हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, वो पूरा उसी तरीके से विदाउट गेटिंग जंबल्ड आपका वहां पे सुनाई देगा, दैट इज अ ये इन ऑर्डर है, नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक चीज। अब चलो यार, कम्युनिकेशन वो सब कुछ जो होना था वो हो गया है, ओके, उसके बाद क्या होगा, अब एक बार जो रिसीवर है या फिर ये जो है, इसने अपना एक तरीके से क्या कर दिया, कॉल रख दिया, टेलीफोन जो है वो रख दिया, अब ये जो कनेक्शन मैंने लगा रखा था, क्या इसे लगा रहना चाहिए, नहीं, इसे हमें क्या करना है, निकालना है, बराबर। तो उसे बोलते हैं हम लोग टीयर डाउन, टीयर डाउन करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज टीयर डाउन टाइम, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, सिंपल, ओके। तो उसको निकालना है। अब ये जो मैंने टाइम यहाँ पे लिखे हैं, ये बड़े काम आने वाले हैं आपके, कि अगर मैं इन सबका सम कर दूँ तो बड़ी लाजवाब चीज़ होगी, यानी सेटअप टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस द प्रोपेगेशन टाइम प्लस द टीयर डाउन टाइम, इट इज कॉल्ड एज द टोटल टाइम, ओके। इसके ऊपर कई सारे आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो सर्किट स्विचिंग से रिलेटेड ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई है, आप तक डिलीवर की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।